तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास रिकनेक्ट का इन्वर्टर एसी है और उस एसी में E3 एरर आ रहा है तो आप इस एरर को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर रिकनेक्ट एसी में E3 आ रहा है तो यह एरर है इवेपोरेटर सेंसर का। आसान शब्दों में इसे कॉल सेंसर बोल सकते हैं। यह सेंसर इंडोर यूनिट के कॉल में लगा हुआ होता है। आपके एसी में यह एरर तीन कारणों से आ सकते हैं। हो सकता है कि कॉइल सेंसर के वायर को चूहे ने काट दिया होगा। अगर कॉइल सेंसर के वायर को चूहे ने काटा है तो आप वायर को फिर से जोड़ ले तो यह एरर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और अगर कॉइल सेंसर के वायर को चूहे ने नहीं काटा है और फिर भी ये एरर आ रहा है तो आप पीसीबी में सेंसर वाले कनेक्टर को देखे लूज कनेक्शन की वजह से भी ये एरर आता है, या आप कनेक्टर को निकालकर फिर से लगाएं तो भी ये एरर ठीक हो जाएगा। और उसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो आप इवेपोरेटर टेम्परेचर सेंसर कॉल सेंसर को बदल दे तो यह एरर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जनरली यह एरर सेंसर के प्रॉब्लम की वजह से ही आता है। ज्यादातर सेंसर बदलने से ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और अगर सेंसर बदलने के बाद ये दिक्कत ठीक नहीं होती है तो आपको पावर सर्किट बोर्ड बदलना होगा। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आ गई। तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दे।